छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया और कहा कि संघ के द्वारा विभिन्न शिकायती मांग पत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन को बार बार निवेदन करने के बाद भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो कि फर्जी दिव्यांग संरक्षण का परियाचक है। संघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को 20 दिन के अंदर पूरा करने को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को अल्टीमेटम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों द्वारा हजारों की संख्या में ऐतिहासिक पैदल मार्च कर शासन प्रशासन को जगाने और शासन प्रशासन की नाकामी आमजन को बताने का काम किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि हम लोग सातवें वेतनमान के आधार पर जो दिव्यांग वाहन भत्ता मिलता है उसके लिए लगातार जो है मांग कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार ने 3600 से 7200 रुपया अपने दिव्यांग कर्मचारी को दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार केवल 750 रुपये दे रही है। इसमें हमने लगातार जो है पिछले 3 वर्षों से हमने ये मांग किया है। दूसरी मांग हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है, तो 21 सितंबर 2021 के आदेश में दिया है कि 4% पदोन्नति जो है देने का आदेश दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने यहां पर केवल 3% दिया है और वो भी उसको सही तरीके से लागू नहीं करी। हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी कर्मचारियों का जो पदोन्नति होता है दिव्यांग कर्मचारियों का, उसमें 4% पदोन्नति जो है उनको मिलना चाहिए। तीसरी मांग, जैसे सर बताए, उनके साथ साथ जो है वर्तमान में भी शिक्षक भर्ती हुआ है सर, जिसमें विकलांग कोटा से 7% का जो है आरक्षण प्राप्त रहता है, जिसमें अभी भी जो है 7% आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो है हाईकोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि दिव्यांगता का जो है पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाएगा, भौतिक सत्यापन, UDID कार्ड की अनिवार्यता, जिसको अभी जो है शासन ने जो है अनदेखा करते हुए केवल प्रमाण पत्र के आधार पर जो है नियुक्तियाँ उनको दी है।